प्रियापीतम के दर्शन करने के लिए ये रूप धारण किया और इतना रास्ता छोड़ा कि एक ही आदमी जाए। तो यहाँ के राधा जी आज भी दही दूध मक्खन बेचने जाती हैं, जाना नहीं कि आज भी जा रही है रोज, नित्य की लीला है। तो एक दिन सखी के राधा जी कह रही है सखियों से, ये सखियो हम दही दूध मक्खन को रोज बेचने जाते हैं लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं होता है, आज ऐसे रास्ते चलो जहाँ हमको कृष्ण का दर्शन हो जाए। तो कहे चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे बिजराज और गोरस रोचक हरिमरन, तो एक पंथ तो कहा आज सखी ऐसे रास्ते चलो जहाँ हमारा धन लुटे या बिके लेकिन कृष्ण का दर्शन होगा। तो सखियाँ हमको जा रही हैं, जो महापुरुषों ने लीला का वर्णन किया है कि साकरी गली बनी पर्वत की और दजले चली कुमर की गति, आगे गाय चरे गिढ़र की और दीने सका सका है। भगवान नंदगाम ने गौ चराते हुए आ रहे हैं, ग्वालों को सावधान कर दिया, भैया गोपी आ रही है, मन क्या करे मैं सावधान हो जाऊं। तो भगवान गोपियों से कह रहे हैं कि ठाड़ी रहोड़ी गालनी और दे जा मेरो दान और जय दान के कारण मैं छोड़ जा दर्पण सो धाम। गोपियों में दर्पण छोड़ गया, यहाँ को मार को दान दे के जाओ। तो गोपी क्या कह रही है कि दान दान कर राखो मोहन और नाने दत्की किनकी और छाछ हमारी जो पी बस वो टहल कर रह सकते की गलत तेरे बाप को माखन या मारे गए जो तो कुदे थे भगवान के अच्छा नहीं दोगी बनना। तो बताओ दहो महो लिए तुम जाता ये गोपिया जा दही मक्खन को लेके कहा जा रही है जो हमको नहीं दे रहे हैं। तो गोपी आपस में बता रहे हैं बात कर रही है, अरे ऐसा ही कहे जाने जय के बाबा का जाने जाके बाप का ऐसा बोल रहा है। तो गोपियों ने दान नहीं दिया है तो भगवान ने ग्वाल वालों को सावधान कर दिया, भैया अपना काम करो। तो गोपो ने गोपियों के सिर पे दही दूध मक्खन जो भी मटकियों में है उसको उठा उठा के अपना भोग लगा के यहाँ पे फोड़ना शुरू किया, दही दूध की कीच हो गई, सब आपस में ही दही दूध में हो गए। इधर राधा जी चुपचाप मटकी को लेके खड़ी है तो कहा साकरी गली या मैं हाँ करी ना ना करी, ना किशोरी जी हाँ किया ना ना किया। तो भगवान कहने हैं क्या हुआ जो किशोरी कुछ नहीं बोली, ऐसा क्या कर रहे हैं? तो इनके मन में कुछ ना कुछ है अंदर। तो भगवान कृष्ण ने उनके अंदर जाके देखा तो क्या देखा कि उनके मन में एक बात चल रही है, क्या हाँ करूँ तो रीत जाए और ना करूँ तो प्रीत जाए। तो भगवान ने देख लिया किशोरी जी कुछ नहीं बोली, रीत का मतलब प्रीत का मतलब समझती है, रीत का मतलब ये कि विश्वास दादा नंद बाबा में कभी धान का लेन देन नहीं हुआ तो ये रीत